केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी से हुई लूट पाट में शामिल दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके दो साथियों की तलाश जारी है। बीती रात गिरफ्तार किए गए एक बदमाश भीम पुत्र वीरपाल सिंह के पैर में गोली लगी है। वह अंबेडकर विहार मलियाना का रहने वाला है, जबकि दूसरे बदमाश का नाम अर्जुन पुत्र श्याम लाल निवासी कृष्ण विहार भोला रोड है। रोहित व गौरव की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 1,12,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। 11 सितंबर को हुई इस लूट में 2,32,000 रुपये लूटे गए थे। लूट की यह घटना उस वक्त हुई थी जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कर्मचारी प्रहलाद सिंह भोला रोड पर कलेक्शन कर वापस जा रहा था। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। अवगत कराने के थाना टीपी नगर में 11 सितंबर को भोला रोड पर एक कमीशन एजेंट के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 बदमाशों के नाम प्रकाश में आए थे। कल थाना टीपी नगर को मुखबिर खास से 13 सूचना मिली। इनमें से 2 बदमाश जो कि कपाची बाइक पर सवार हैं, ये मलियाना बंबा के पास बागपत रोड पर देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान 2 बदमाश जो कि अपाचे बाइक पर सवार थे, उन्हें पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसका नाम भीम पुत्र वीरपाल है। इसके ऊपर 6 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, तथा दूसरा बदमाश जिसे पुलिस द्वारा कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम अर्जुन पुत्र श्यामलाल है। इन दोनों के पास से 1,54,000 रुपये, 1 अपाची बाइक जो कि घटना में यूज हुई थी, तथा 1 तमंचा जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, तथा 2 बदमाश जिनके नाम रोहित और गौरव है, ये भी फरार चल रहे हैं। इन्हें पुलिस द्वारा जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।